ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 है और दिन शुक्रवार है। शक संवत 1942 है और विक्रम संवत 2077 है। आज अधिक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि रात में 1:52 तक रहेगी। उसके बाद शुद्ध आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। नक्षत्र हस्त नक्षत्र दिन में 4 बजे तक है, उसके बाद चित्रा नक्षत्र बीतेगी। आज के दिन सूर्योदय 6:17 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 5:43 पर होगा। आज स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या है। प्रत्येक अमावस्या पर पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और यथाशक्ति वस्त्र और अन्न दान करना चाहिए। अमावस्या को पितरों का दिन कहा गया है, तो इस दिन किसी को भोजन कराना यानी अपने पितरों को भोजन अर्पण करना होता है। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन किया गया दान सूर्य ग्रहण काल में किए गए दान से कई गुना अधिक है और कई गुना अधिक फलदायी भी होता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि स्नान दान की अमावस्या के दिन भगवान शिव का दर्शन और पूजा अर्चन करने से भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर शुक्रवार को यात्रा करनी ही पड़े तो घर से निकलने से पहले दही या फिर दही से बना पदार्थ खाकर ही निकलना चाहिए। इससे आपकी यात्रा मंगलमय होगी। ये था आज का पंचांग और अब बात करते हैं राशि फल की, और सबसे पहले जानेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों को आज के दिन मित्रों तथा रिश्तेदारों की सहायता से नई योजना शुरू करने का अवसर प्राप्त होगा। योजना को फलीभूत भी करनी होगी। कारोबार का विस्तार होगा। काम पूरा होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। नौकरी में प्रभाव आपका बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका आनंदमय रहेगा। आज के लिए आज का लकी नंबर है 2 और उपाय करना है ओम नमः शिवाय का जाप करें। वृष राशि वालों को आज के दिन आपके लिए सौभाग्यपूर्ण दिन रहेगा। आपको कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सत्संग की लाभ प्राप्ति होगी। सेहत आपका शानदार रहेगी। किसी के साथ अनावश्यक वाद विवाद से परहेज करें। कारोबार के सिलसिले में कहीं की यात्रा आपकी हो सकती है। लेन देन में सावधानी रखें। व्यापार में मन के मुताबिक लाभ मिलेगा। आपके लिए आज का लकी नंबर है 1 और उपाय करना है ओम सुं शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि वालों को आज के दिन क्रोध पर काबू रखें। किसी के साथ कटु वचनों का व्यवहार ना करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आज किसी को उधार देने से बचें। एंटिक और जेवर में निवेश करें।
भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। माता पिता की सलाह की अनदेखी बिल्कुल ही ना करें। आपके लिए आज का लकी नंबर है 8 और उपाय करना है माता रानी के मंदिर में लाल चुनरी चढ़ाएं। कर्क राशि वालों को आज के दिन आपके लिए मिला जुला समय रहेगा। नौकरी में थोड़ा तनाव रह सकता है, विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। हालांकि आर्थिक नजरिए से दिन आपका बेहतर रहने वाला है, आय के नए स्रोत बनेंगे, राजकीय सहयोग आपको मिलेगा, पत्नी और बच्चों का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके लिए आज का लकी नंबर है 3 और उपाय करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। सिंह राशि वालों को आज के दिन नौकरी पाने का प्रयास सफल होगा। आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। कला क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होंगे। ऑफिस में बॉस के साथ साथ सहकर्मियों का भी सहयोग आपको मिलेगा। जमीन में निवेश आगे चलकर आपके लिए बड़ा फायदा देगा। छात्रों को शुभ समाचार मिलेंगे। आपके लिए आज का लकी नंबर है 1 और उपाय करना है दुर्गा मंदिर में जाकर लाल वस्त्र चढ़ाएं। कन्या राशि वालों को आज के दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। बौद्धिक कार्य आज आपके सफल होंगे। माता पिता की मदद से आप आर्थिक कठिनाइयों से पार पाने में कामयाब होंगे। रचनात्मक कार्यों में रुचि आपकी बनी रहेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा। आपके लिए आज का लकी नंबर है 8 और आपको आज उपाय करना है गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। तुला राशि वालों को आज के दिन किसी के साथ वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, वरना आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी की सेहत को लेकर तनाव आज के दिन रह सकता है। काम को लेकर लापरवाही ना बरतें, वरना लाभ के अवसर हाथ से आपके निकल सकते हैं। आय में आपकी आज के दिन उतार चढ़ाव बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। आपके लिए आज का लकी नंबर है 2 और उपाय करना है ओम विष्णवे नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। कई दिनों से जिस काम को लेकर आप परेशान थे, वो काम आज आपका पूरा होगा। कारोबार में आपकी बढ़ोतरी होगी। घर परिवार के साथ साथ समाज में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। धार्मिक आयोजनों में आज आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। घर में किसी मांगलिक आयोजन की तैयारी होगी। आपके लिए आज का लकी नंबर है 4 और उपाय करना है अस्पताल जाकर रोगियों की सेवा करें। धनु राशि वालों को आज के दिन कारोबार अच्छा चलेगा। नौकरी में आपकी प्रभाव बढ़ेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी हो सकती है। घर में किसी मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा बनेगा। परिवार के साथ आनंद पूर्वक दिन बीतेगा। कारोबार में अपने साथियों के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखिए। छात्रों को सफलता मिलेगी। आपके लिए आज का लकी नंबर है 1 और उपाय करना है दुर्गा जी के मंदिर में फल का दान करें। मकर राशि वालों को आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। भेंट और उपहार की प्राप्ति होगी। फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। दूसरों के काम में दखल देने से आप बचें।
घर में कोई धार्मिक आयोजन होगा, आपके लिए आज का लकी नंबर है 1 और आपको आज के दिन उपाय करना है, बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को आज के दिन अचानक खर्च बढ़ने से आर्थिक रूप से मुश्किल में पड़ सकते हैं। विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से सभी समस्याओं पर पार पाने में सफल होंगे। घर परिवार का भी सहयोग मिलेगा, कारोबार में उन्नति होगी, सामाजिक मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी। आपके लिए आज का लकी नंबर है 7 और आपको उपाय करना है, जरूरतमंदों को भोजन कराएं। मीन राशि, मीन राशि वालों को आज के दिन व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, कारोबार में आपकी आज के दिन उन्नति होगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। दूसरों के काम में दखलंदाजी ना करें, पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम करें। किसी भी नई योजना पर आगे बढ़ने से हानि लाभ का अच्छी तरह से विचार कर लें। मित्रों की मदद से आपका काम बनेगा। आपके लिए आज का लकी नंबर है 5 और उपाय करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे भगवान शंकर की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आज इतना ही। कल फिर हम इसी समय आपके सामने YouTube चैनल ग्रह गोचर में कल के लिए पंचांग और राशि फल लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार।